कंट्रोलिंग प्रोसेस जब हमने कोई चीज़ प्लान की हो और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो डाइवर्ट हो जाती है यानी कि जो हमने प्लान किया था और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें जो है डेविएशन होता है तो वहाँ पर उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है सपोज़ कि आपने ये प्लान किया था कि जो एम्प्लॉई है वो आपके एम्प्लॉई एक साल में दस हज़ार यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन जब एक साल बीत गया उसके बाद आपने जब उसको मेज़र किया तो आपको पता चला कि नहीं वो एक हज़ार यूनिट नहीं बल्कि आठ सौ ही यूनिट प्रोड्यूस कर पाए एक साल में तो इसका मतलब कि जो आपने प्लान किया था उससे डेविएशन हुआ है तो अब आप क्या करोगे वो डेविएशन क्यों हुआ है उसको फाइंड आउट करके वहां पर कंट्रोल टेक्निक्स का यूज करेंगे यानी कि जो प्लान किया गया है जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस रहे परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड सेट से डेविएट ना हो तो उसके लिए कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है वहां पर कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है तो कंट्रोलिंग कैसे करते हैं तो प्रोसेस क्या है स्टेप्स क्या है कंट्रोलिंग की वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे तो कंट्रोलिंग जो है एक सिस्टेमेटिक प्रोसेस है जहां पर पांच स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड एनालाइजिंग डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन तो हम एक एक करके देखते हैं तो सबसे पहले स्टेप और है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड देखिए अगर आपको कोई चीज कंट्रोल करनी है तो पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि क्या कोई डेविएशन है या नहीं है और डेविएशन है या नहीं है उसके लिए पहले आपको एक स्टैंडर्ड सेट सेट करना करना पड़ेगा करना पड़ेगा परफॉर्मेंस 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 स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड तो क्या हो गया इट इज द क्राइटेरिया अगेंस्ट एक्चुअल वुड बी मेजर यानी कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो जो आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करेंगे उससे मेजर किया जाएगा स्टैंडर्ड कैन बी सेट इन बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टर्म यानी कि आप जो स्टैंडर्ड बनाएंगे उसको क्वांटिटेटिव टर्म में भी सेट कर सकते हैं या फिर क्वालिटेटिव टर्म में भी सेट कर सकते हैं जैसे कि कितना प्रोडक्ट यूनिट प्रोड्यूस किया जाएगा एक साल में या फिर एक एम्प्लॉय द्वारा उसको जो है आप क्वांटिटेटिव में सेट कर सकते हैं यानी कि एक यूनिट जो है वो एक महीने में प्रोड्यूस करेगा ये इस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आप जो है क्वांटिटेटिव में सेट कर सकते हैं इसी तरीके से गुडविल या फिर मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉई ये क्वालिटेटिव टर्म में जो है वहाँ पर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं क्लियर तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आपको सेट करना होता है कंट्रोलिंग प्राइसिस में ये पहला स्टेप होता है ड्यू टू चेंज टेकिंग प्लेस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस स्टैंडर्ड्स में नीड सम मॉडिफिकेशन यानी कि बहुत सारे ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस इन्वॉल्व होते हैं जिसपे आपका कंट्रोल नहीं होता है तो, तो इसलिए के मॉडिफिकेशन कर सके उसको मॉडिफाई कर सके उसके बाद जब आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं तो अगला जो स्टेप आता है दैट इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल आपने जो है एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि एक इंप्लॉई एक यूनिट एक साल में प्रोड्यूस कर सकता है ये आपने जो है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर लिया अब अगला काम क्या है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है कि क्या उस एक इम्प्लॉय ने एक साल में एक हज़ार यूनिट प्रोड्यूस किया कि नहीं किया यानी कि उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप क्या करोगे मेजर करोगे इट कैन बी मेजर्ड बाई पर्सनल ऑब्जर्वेशन सैंपल चेकिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट यानी कि मेजरमेंट के कई सारे तरीके होते हैं या तो आप खुद ऑब्जर्व करके देखिए कि क्या उसने किया है या फिर जो है बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आपको उसकी क्वालिटी को चेक करना है क्वालिटी को मेजर करना है तो उसमें से एक प्रोडक्ट निकाल लिया उसकी क्वालिटी चेक कर ली ठीक है या फिर आपने परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना लिया है तो मेज़रमेंट आपको करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस को इन डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसके लिए ठीक शुड बी मेजर्ड इन सेम यूनिट्स इन विच स्टैंडर तो जब भी आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं तो जिस यूनिट में आपने स्टैंडर्ड को सेट किया है उसी यूनिट में आप जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करें क्लियर यानी कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को आपने यूनिट में सेट किया है तो आप मेजरमेंट भी प्रोडक्टिविटी जो है एंप्लॉय की उसको यूनिट में करेंगे मेजरमेंट कैन बी डन बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर परफॉर्मेंस तो जो मेजरमेंट है आप या तो परफॉर्मेंस से पहले या फिर परफॉर्मेंस जब एक्टिविटी चल रही है तब या फिर परफॉर्मेंस होने के बाद जो है आप उसको मेजर कर सकते हो तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि जिनको आप पहले ही मेजर करते हैं जैसे कि अगर आप रॉ मेटेरियल परचेज करें तो रॉ मेटेरियल को प्रोडक्शन से पहले उसको जो है मेजर करोगे ठीक है उसके बाद जब कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस अलग अलग स्टेप होते हैं तो हर स्टेप में जो है आप वहाँ पर मेजरमेंट लेते हैं और जब प्रोडक्ट पूरा बनकर तैयार होता है तब आप जो है उसको मेजरमेंट ले सकते हैं तो मेजरमेंट जो है वो पहले बाद में या फिर जब प्रोडक्ट बन रहा है तब भी जो है आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं तब भी आप जो है मेजर कर सकते हो तो अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ तो आप सभी पीसेस को सभी इम्प्लॉय को जो है वहाँ पर परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो लेकिन अगर कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वहाँ पर जो है जो अगर सपोज करके आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना है मेजर करना है तो वहाँ पर कुछ पीसेस को सेलेक्ट करते हैं और रैंडमली और उसको जो है उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं तो इसको क्या कहते हैं सिंपल चेकिंग कहते हैं तो आपने जो है पहले स्टैंडर्ड सेट कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो कंट्रोलिंग प्रोसेस का स्टेप टू क्या है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अब जो है जब आपने मेजरमेंट ले लिया है एक्चुअल परफॉर्मेंस का अब आप क्या करोगे कंपेयर करोगे स्टेप थ्री क्या हो गया आपने जो सेट किया था और जो बिटवीन एक्चुअल एक साल में प्रोड्यूस करेगा और आपने जब परफॉर्मेंस को मेजर किया तो आपने पाया कि हाँ एक इंप्लॉय ने एक हजार यूनिट प्रोड्यूस किया है यानी कि यहां पर कोई भी डिविएशन नहीं है लेकिन अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस जो थी इंप्लॉय की वो ये थी कि उस इंप्लॉय ने आठ ही सौ यूनिट प्रोड्यूस किया

अब यहाँ पर क्या हो गया कि सबसे पहले स्टैंडर्ड को सेट किया गया उसके बाद आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड जो आपने सेट किया था उससे कंपेयर कर लिया अब आपको पता चल गया कि हाँ यहाँ पर डेविएशन है या फिर नहीं है अगर डेविएशन है तो वहाँ पर आप स्टेप फोर अप्लाई करेंगे दैट इज एनालाइजिंग डेविएशन देखिए नॉर्मली हर जगह हर एक्टिविटी में कुछ ना कुछ डेविएशन होता है कोई भी एक्जैक्टली परफेक्ट नहीं कर पाएगा यानी कि आपने एक यूनिट का स्टैंडर्ड सेट किया था तो हो सकता है कि साढ़े या फिर एक यूनिट भी प्रोड्यूस कर सकता है कोई भी लेकिन अगर ज़्यादा डेविएशन है तो पर आपको जो है एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है तो so, यानी कि आपने स्टैंडर्ड सेट किया था लेकिन आपने ये भी कहा था कि साढ़े नौ से एक हजार दस तक होता है तो वो एक्सेप्टेबल है यानी साढ़े नौ से नीचे नहीं जाना चाहिए लेकिन स्टैंडर्ड एक हजार यूनिट है क्लियर तो यहां पर जो है, आपको आपको जो है सेट करना पड़ेगा इस स्टेप में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो डेविएशन है उसका कारण क्या है डेविएशन नीड टू बी एनालाइज फॉर देयर कॉजेज अगर जो इम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है वो पुअर हुई है तो वो क्यों हुई है क्या उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है क्या उसके पास नॉलेज नहीं है उसके पास स्किल्स नहीं है आपको कॉज को फाइंड आउट करना है कॉज को आइडेंटिफाई करना है क्लियर अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि जब आप डिविएशन को एनालाइज करते हैं तो देखिए हर चीज़ में डेविएशन होगा तो सभी चीज़ों को आप वहाँ पर एनालाइज नहीं कर सकते हैं इसीलिए आपको फोकस करना है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल या फिर मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन पे तो देखिए डेविएशन जो है वो हर एक्टिविटी में आपको वहां पर देखने को मिलेगा अब हर एक्टिविटी को आप एनालाइज नहीं कर सकते हो वहां पर कि हर एक्टिविटी को एनालाइज करोगे फिर उसके पीछे कॉज को ढूंढोगे उसके पीछे फिर जो है वहां पर एक्शन uh, लोगे तो ऐसे में क्या होता है कि आप जो है वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हो इंपॉर्टेंट की रिजल्ट एरिया होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हो और उन उनपे जो है उनको एनालाइज करके वहां पर एक्शन लेते हो उसी में एक तरीका है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल तो यहां पर क्या होता है कि जो की रिजल्ट एरिया होते हैं सिर्फ उन उनपे फोकस किया जाता है और उनमें डेविये को ढूंढा जाता है अगर डेविएशन है तो उनके ढूंढ कर उनको करेक्ट किया जाता है जैसे लेबर कॉस्ट ये क्रिटिकल पॉइंट है अगर लेबर कॉस्ट बढ़ रही है तो इससे फिर ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा यह इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रिजल्ट एरिया है आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रिजल्ट एरिया है इसको भी चेक करना है इसमें भी डेविएशन है तो आपको उसको चेक करना है और कॉजेस को फाइंड आउट करना है इसी तरीके से मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन एक्सेप्शन यानी कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में देख रहे हो कि कोई एक ऐसी चीज हो ये जो कभी नहीं होती थी, केस हो गया रेयर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उस पर आप फोकस करिए उसको करिए, तो management exception को हमने इन डिटेल अलग से discuss कर रखा है, आप उसको जरूर देख लें। फिर आता है और उसके कॉजेज ये तो अब आपको क्या करना है आपको करेक्टिव एक्शन लेना है तो आपने जो स्टेप सी है और उसके क्या कॉजेज है उसको आप कर लेते हो, और फिर उस जो आपने डेविएशन

आप जो है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए करेक्टिव एक्शंस माइट इन्वॉल्व ट्रेनिंग ऑफ इंप्लॉज इफ द प्रोडक्शन टारगेट कुड नॉट बी मेड आपने जो है इंप्लॉय के लिए टारगेट बनाया था कि एक वीक में एटलीस्ट दस यूनिट प्रोड्यूस करना है लेकिन वो एम्प्लॉई एक वीक में दस यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए क्लियर तो ये जो हो गया करेक्टिव एक्शन इसी तरीके से इफ एन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इज रनिंग बिहाइंड शेड्यूल करेक्टिव एक्शन माइट इन्वॉल्व असाइनिंग ऑफ एडिशनल वर्कर एंड इक्विपमेंट टू दी प्रोजेक्ट एंड परमिशन फॉर ओवर वर्क यानी कि आपने जो है कोई प्रोजेक्ट लिया है उस प्रोजेक्ट को आपको एक महीने के अंदर कंप्लीट

और फिर कॉजेज को रिमूव करते हैं यानी कि करेक्टिव एक्शंस वो लेते हैं तो ये जो है पूरा कंट्रोलिंग प्रोसेस होता है यू ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग